हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पे। और मैं शैलिन आज फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाया हूँ। न्यूड वीडियो कॉल का जो स्कैम होता है वो हम अभी तक यही सुनते चले आए हैं कि कहीं वो जामताड़ा से हो रहा है, तो कहीं वो बेंगलोर से हो रहा है, कहीं वो जयपुर से हो रहा है। और इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरा एक ग्रुप चलाते हैं, और ग्रुप चलाने के साथ साथ वो इसको अंजाम देते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और पैसा वसूलते हैं। बट एक लेटेस्ट अभी एक केस आया, जो केस आया मुंबई से, और वो मुंबई से जो केस आया वो किसी ग्रोह का नहीं है, वो एक नॉर्मल सा बंदा है। उस बंदे ने इस तरीके के केस को अंजाम दिया। जी हाँ, वीडियो स्कैम के केस को। उसने वो क्या है, वो बॉलीवुड में एक आर्ट डायरेक्टर है, और उसकी उम्र जो है वो 25 ईयर्स की है। इस बंदे ने क्या किया, बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को उसने एक टाइम में, जो अपराधी है और जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, ये दोनों पटना से हैं, पटना में ही इन लोगों का अफेयर हुआ। अफेयर होने के साथ साथ इन लोगों ने बॉलीवुड में साथ साथ काम किया, कुछ मूवीज सीरियल्स में इन्होंने काम किया, और उसके बाद इनका अफेयर हो गया और वो बहुत अच्छे लॉन्ग टाइम तक चला। अब हुआ बाद में ये कि एक टाइम में आकर उस एक्ट्रेस ने शादी कर ली किसी और से, बीच में रिलेशन व्हाटएवर जो भी ब्रेकअप हो गया हो, जो एक्ट्रेस थी उसने किसी और से शादी कर ली। किसी और से शादी करने के साथ साथ ही वो वहां से बॉलीवुड ने छोड़ भी दिया। अब क्योंकि एक टाइम में उनका रिलेशन था, उस रिलेशन के टाइम में कहीं ना कहीं जो अपराधी था, जो लड़का था, जो बॉलीवुड का आर्ट डायरेक्टर था, उसने उस एक्ट्रेस की कुछ न्यूड वीडियो भी बना रखी थी। जी हाँ, सोचिए कि प्यार में इतना पागल हो जाना कि ये भी ना समझ पाना कि जिससे आप प्यार करते हो वो आपकी ही न्यूड वीडियो बना रहा है। और उन्हीं न्यूड वीडियो का सहारा लेकर उसने दोबारा से उस एक्ट्रेस को अपने वीडियो कॉल के इस स्कैम से फंसाने में पूरी तरीके से कोशिश की और उससे पैसे मांगे। अब हुआ क्या कि उस एक्ट्रेस की शादी हो चुकी थी, वो एक्ट्रेस कहीं और रहती थी मुंबई छोड़कर, तो इस बंदे ने उसको कुछ साल बाद उसका न्यूड वीडियो भेजा उसके मोबाइल पर। अब न्यूड वीडियो भेजने के बाद जब ये खबर उस लड़की को पता चली कि मेरा ऐसे ऐसे वीडियो ये अभी तक उसने रखा हुआ है और ये मेरे वीडियो का मिसयूज़ कर रहा है, मुझे ही ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि उस बंदे ने, उस आर्ट डायरेक्टर ने, बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर ने उससे 8 लाख की फिरौती की मांग की उस वीडियो के अगेंस्ट में, कि तुम मुझे अगर 8 लाख रुपये नहीं दोगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उस बंदे को, उस एक्यूज को, उस अपराधी को ये पता था कि उस एक्ट्रेस का जो हस्बैंड है वो पैसे वाला है और वो इतना पैसा दे सकता है। जब इस बंदे ने उसको व्हाट्सएप पर ये वीडियो सेंड किया तो उसने इस पूरे मामले को अपने हस्बैंड को बताया, उसके हस्बैंड ने इस पूरे मामले को पुलिस में बताया, और जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की तो वो जो बंदा था, वो आर्ट डायरेक्टर था, वो बॉलीवुड से छोड़ कर काम धाम और कहीं छुप गया। जब कुछ दिनों के बाद इस पूरी तहकीकात में पुलिस ने और ज़्यादा जोर लगाया इस बंदे को पकड़ने के लिए, तो पता चला कि ये बंदा दिल्ली में है, और उसके बाद दिल्ली ने इसको दिल्ली से गिरफ्तार किया। तो ये जो पूरा मामला है, ये पूरा वीडियो पे आधारित है। मैं कहूँगा वीडियो जो स्कैम हो रहे हैं वो ये बिल्कुल मत मान के चलिए कि जो वीडियो कॉल के स्कैम होते हैं वो केवल ग्रोह चला रहे हैं। अब तो कम से कम बिल्कुल मत मानिए जब से ये केस आ गया है, क्योंकि आजकल लोगों को पैसा कमाने का जरिया चाहिए। वो जरिया चाहे कुछ भी हो, चाहे वो किसी लड़की का एक बहुत अच्छे रिलेशन के टाइम में आपने किसी तरीके का कोई नॉर्मल वीडियो बना लिया हो, चाहे वो उसमें थोड़ी बहुत न्यूटी हो, या फिर मैं कहूँगी वो थोड़ा बहुत स्टाइलिश सा वीडियो हो, उसको किसी भी तरीके से कोई भी अपनी सोच से इस्तेमाल कर सकता है और आपको ब्लैकमेल कर सकता है। यूं तो ये केस बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर का है, बट अगर आप ये पूरा लिंक करें तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से एक न्यूड वीडियो कॉल का ही स्कैम केस है, क्योंकि इसमें भी एक न्यूड वीडियो है जो एक्ट्रेस का उसको सेंड किया गया और उससे पैसे की वसूली की जा रही है।
वहीं अगर मैं बात करूं तो आजकल जो न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम चल रहे हैं, वहां पर एक लड़का होता है जो आप पे व्हाट्सएप से आप पे चैट करता है पहले लड़की बनकर, और जब एक्चुअल में जब वीडियो कॉल पे बात आती है तो सामने आपके एक लड़की होती है, और वो लड़की जो होती है वो समटाइम्स रियल होती है और समटाइम्स वो एक वीडियो क्लिप चल रही होती है मोबाइल पर, जिसको आपको देखकर ऐसा लगता है कि सामने एक न्यूड लड़की है, और फिर वही क्लिप आपको बाद में व्हाट्सएप पर भेजी जाती है और आपको फंसाया जाता है और आपसे पैसे की वसूली की जाती है। तो इस तरीके के जो केस हो रहे हैं उनसे बच के रहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से बच के रहिए, क्योंकि वो केस आपके साथ किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसा कि मैंने ये स्टोरी बताई, ये स्टोरी भी बिल्कुल उसी तरीके की है। तो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगली बार अगर आपको कुछ ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको सुनने हैं, देखने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।